वेलकम वेलकम जी, नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर के 1:15 से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से आज जो भी मेरे काम थे ना, वो वैसे तो बैठ के करने वाले काम थे, एक के बाद एक लैपटॉप पे ही थे, पर बैठ बैठ के मेरी कमर अकड़ गई है। मतलब जब मैं उठी ना सारा काम करके, तब मुझे रियलाइज हुआ अरे दर्द हो रहा है कमर में, बेकार इतनी देर बैठ गई। फिर शावर वगैरह लिया, अब जा रही हूँ लंच करने के लिए। और अंगद घर पे नहीं है, अंगद गया है ऑफिस, उसको तो बताया था आज काम है, लेकिन अभी आ रहा है। तो हुआ क्या ना, क्रोमा से दो तरह के अलग अलग हम लोगों को मैसेज आ गए। एक SMS आया अंगद के फोन पे, जिसमें लिखा हुआ था कि जो इंस्टॉलेशन है वो कल सुबह 11 बजे होगा, उसमें बंदे का नाम भी दिया हुआ था। और मेल आया हमें कि वो आज ही होने वाला है इंस्टॉलेशन, और वो 3 बजे आएगा। अभी दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत हमें नहीं पता, पर क्योंकि वॉशिंग मशीन लेकर के भी जाना है और इंस्टॉल भी करना है, तो अंगद ने बोला कि अब मैं आ रहा हूं। और क्योंकि वो अभी आ रहा है तो लंच अब घर पे ही करेगा, वरना पहले की बात अगर होती ना तो अंगद लंच ऑफिस में ही करता, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता। तो वो कहता तुम अपना कुछ बना के खा लो, मैं ऑफिस में खाऊंगा, पर क्योंकि कुक है, खाना बन चुका है ऑलरेडी, तो उसने बोला खाना बना हुआ ही है तो मैं घर पे ही खा लेता हूँ और आ रहा हूँ। पर मैं उसका वेट नहीं कर सकती लंच में, भाई मुझे इतनी जोर की भूख लगी है, मैं फटाफट खा लूंगी, वो आएगा तो वो खाएगा, और अगर इंस्टॉलेशन होता है तो फिर तो आप देख ही लोगे आज के ब्लॉग में। तो क्या बना है पहले लंच वो दिखाती हूँ, चलिए अच्छा हेल्दी खाना बना है। तो खाने में है स्पेशल पालक पनीर, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है, मैंने चखा भी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पर अच्छे से बनाया है ऐसा लग रहा है, स्मेल तो अच्छी आ रही है। तो इधर हो गया पालक पनीर, इधर में रेडी है क्या हो गया, खुल जा राइस, उसके साथ में है चपाती। देखिए चपाती बहुत अच्छा बनाती है, एकदम ही छोटे छोटे साइज का, बहुत ज्यादा पतला तो नहीं पर अच्छा बनाती है, मतलब साइज वाइज जो है वो अच्छा रहता है। और यहाँ पे साथ में है दाल, तो ये दाल है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है टेस्टी होगा, अंगद को तो बहुत पसंद आता है ऐसा वाला गाढ़ा दाल टमाटर वगैरह डाल के। मेरी जो कुक है ना, वो मुझ पे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है, उसका रीजन क्या मैं बताती हूँ। तो हमारे घर आपको पता है जो लहसुन है वो पील्ड गार्लिक आता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं खाना बना रही थी तो मैं पील्ड मंगा रही थी, अब कुक रख लिया है तो वो काम करे एक्स्ट्रा, उसके लिए मैं नॉर्मल मंगाती हूँ, नहीं, जो था हमारा सिस्टम वही है। तो एक तो उसको पील्ड गार्लिक देख के फर्स्ट डे इतनी खुशी हुई थी, दीदी आप पील्ड आप छिला हुआ लहसुन मंगाते हो, थैंक यू, मेरे तो हाथ पूरे दर्द कर जाते हैं सुबह से लहसुन छिल छिल के। तो मैंने कहा मेरे घर तो यही है। उसके बाद में फिर जैसे कि ये पालक आया, तो हम लोग जो मंगाते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं तो एकदम ही साफ सुथरा वो धुला हुआ पालक आता है ना, कभी मिट्टी नहीं कुछ भी नहीं कटा हुआ रहता है। और मैं जो भी सब्जी बनानी होती है मेन जो उसका रहता है ना इंग्रेडिएंट, वो निकाल के फ्रिज से अच्छे से रख देती हूँ। जैसे पनीर है तो पनीर साइड में रख दिया कि कितना बनाना है। वैसे एक बार की बात है, मैंने उसे मटर पनीर बनवाया तो ना मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने जाके पूरा मटर जो पनीर था ना 200 ग्राम का पैकेट लाके रख दिया, मुझे लगा उसको अंदाजा हो ही जाएगा कि दो लोगों को खाना है तो उतना पनीर यूज नहीं होगा। उसने मटर पनीर में पूरा 200 ग्राम पनीर डाल दिया, तब से मुझे रियलाइज हुआ नहीं उसको मुझे पोर्शन बताना पड़ेगा पनीर का, तो आज मैंने हाफ काट के दिया। तो पनीर डाके रख देती हूँ, कढ़ाई रख दिया, किचन तो साफ सुथरा रहता है, ये सब कुछ जगह पे रहता है, पानी भी जग में मैं भर देती हूँ। तो ये सब जो भी मतलब थोड़ा ना प्रिपरेशन है वो मैं कर देती हूँ कि ठीक है उसका भी अपना काम आराम से हो जाए, सब कुछ डन ही रहता है। तो उसको ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि वाह दीदी आपके घर में ना सबको धुला रहता है। एक दिन मुझे याद है कहीं से वो कुक आई थी करके, वो क्या बोलते हो आप लोग, ओल या अरबी जो भी बोल लो सब्जी, तो जो वो काट के बनाना होता है ना, तो पूरे हाथ में उसकी खुजली हो गई थी, तो आई यहाँ पे तो पूरा रेड रेड हाथ था कि देखो दीदी मेरा पूरा खुजली हो गया, वो अरबी काटा ना बहुत ही ये था, काटने में टाइम लगा, पूरा उसका हाथ खुजली हो रहा था। तो हम लोग तो खैर वैसे भी अरबी वो लंगर को वो सब पसंद ही तो बनता नहीं है, तो मोस्टली ऐसा ही रहता है हमारा सब कुछ डन किया हुआ, तो उसको ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, फटाफट वो अपने मन से भी बना देती है सब कुछ। एक दिन से बोला कि भैया को जो दाल है वो गाढ़ी पसंद है और मैं भी वैसे ही खाती हूँ, तो वो चीज वो मेंटेन करती है। सिर्फ कभी अगर ऐसी कोई सब्जी हो ना जिसमें गाढ़ी दाल ना जाए, तो खुद कहती दीदी इसमें पतला दाल बनाओ वो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ठीक है बना लो। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो सामने वाला भी अपना मान के करता है। जैसे कि मेरी जो हाउस हेल्प है जो झाड़ू पोछा करने आती है, उनको संडे को यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं देता है, मतलब उनके डिक्शनरी में छुट्टी है ही नहीं, वो सातों दिन काम करती है। और कुक का तो था, उसने पहले बोल दिया था मैं संडे को छुट्टी लूंगी, तो जो ये आंटी आती है जो हाउस हेल्प, तो उनको मैंने बोला आंटी आपको संडे को नहीं आना, संडे को छुट्टी, तो कहती है क्यों मैडम संडे को क्यों छुट्टी, संडे को तो कोई छुट्टी नहीं देता है। मैंने कहा हाँ पर एक दिन तो आप छुट्टी लोगे ना, एक दिन तो बनता है, अभी कुक भी छुट्टी ले रही है तो पक्का है नहीं आने का संडे को। मैंने कहा नहीं क्यों आप सबके घर आते हो, कह रही हाँ किसी के भी घर छुट्टी नहीं मिलता है, तो शायद पूरे सोसाइटी में सिर्फ मैं हूँ जो उनको संडे को छुट्टी देती है और वो इस बात से खुश हैं कि चलो एक घर का। वैसे कहती है वो कि दीदी आप मैडम आपके घर में काम ज्यादा है नहीं, फटाफट हो जाता है, मैं आ सकती हूँ आना है तो। मैंने कहा नहीं संडे एक दिन छुट्टी, सबकी छुट्टी तो आपकी भी छुट्टी, तो अगर हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना तो वो लोग भी फिर अपना समझ के करते हैं,
वैसे जो ये हाउस हेल्प है तो मेरा रिश्ता पहले का है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ है, तो जब भी मैं कुछ कपड़े डोनेट करती हूँ ना तो हमेशा इनकी भी बेटी है बेटा है, तो मैं गार्ड अंकल को देकर आती थी, तो इनको पहले से मुझसे लगाव तो है कि ये मैडम जो है टाइम टू टाइम कपड़े वगैरह देती रहती है, मिठाई वगैरह देती रहती है। अंगद भी आ चुका है, लगा तू खाना फटाफट। यस यस ऑफ कोर्स, मैं तो खा चुकी फटाफट, नहीं हुआ मुझे तुम्हारा इंतजार। कोई बात नहीं। अगर जो मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनवाया होता तो क्या करते, वो तो मैंने बोला उसको कि बना दो। ऑफिस में था, क्या था? तो लेट होता तुमको आने में, पर हाँ, फिर लेट हुआ। हाँ, पर मुझे पता नहीं सर लग रहा था तुम खाओगे, तो मैंने कहा दोनों का बना दो, वरना मैं सोच रही थी सुबह की एक ही का बनवाओ। चलो कैसा लगा ऑफिस जाके, अच्छा था? हाँ? लोग आए थे कि खाली खाली था? कुछ दिन पहले ही तो गया था। नहीं, उसको 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। लोग थे कि खाली खाली था? खाली खाली था। खाली खाली था क्या? यूजुअली थर्सडे फ्राइडे को ज्यादा ट्रैफिक रहता है। हाँ, उस दिन आते लोग। चलो लगाती हूँ खाना। बहुत अच्छा बनाया आज खाना। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मैंने थोड़ी बनाया। पालक में ना थोड़ा सा नमक एक्चुअली ज्यादा है। पालक क्या होता है ना, खुद भी नमकीन होता है, तो उसमें अगर आप नमक थोड़ा भी ज्यादा डाल दोगे तो नमकीन ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए बेस्ट तरीका है कि उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए। तो नींबू अगर आप गाढ़ोगे ना तो आपका थोड़ा बहुत नमक बैलेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा ही अगर नमक हो गया तब तो कुछ नहीं कर सकते, हल्का फुल्का बैलेंस नींबू से होगा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। पर ये मैंने मंगवाया नहीं था, है तो बड़ा क्यूट, पर ये नहीं मैंने ऑर्डर किया था। मैंने क्या ऑर्डर किया था पता है? मैंने ऑर्डर किया था वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए, वो नहीं आते लॉन्ड्री बैग छोटे छोटे जिसमें आप अंडरगार्मेंट, सॉक्स, रुमाल, ये सारी चीजें डाल के वॉश करते हो ताकि वो मिलना आसान हो जाए। अभी तक तो क्या था कि टॉप लोड था, तो ये मोजे वगैरह छोटे छोटे दिखते है ना, वो दिख जाते हैं, आप निकाल लेते हो, तो मुझे लगा चलो अब तो दिक्कत होगी अंदर ढूंढने में झुक झुक के, तो उसमें डाल देंगे तो मिल जाएगा। तो वो ऑर्डर किया मैंने पैक ऑफ 3, और आया क्या है, जब ये आया ना तो ही मैं सोच रही हूँ टच करके कि क्या आ गया है, ये तो हमें नहीं चाहिए भैया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ऑनलाइन कि कुछ मंगवाया कुछ और इंटायरली कुछ और ही आ गया। चलिए इसको करेंगे रिटर्न। और फोन आ गया क्रोमा वाले टेक्नीशियन का, ऑन द वे है, 10-15 मिनट में आ जाएगा तो इंस्टॉलेशन कर देगा, पर अभी तक वो लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं कि पिकअप होगा कि नहीं वॉशिंग मशीन का। हमने क्रोमा फोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ पिकअप भी करवा लेंगे। अब ये बंदा कह रहा है नहीं मैं तो टेक्नीशियन हूँ, मैं तो बाइक पे आ रहा हूँ, तो कुछ तो ये लोचा हो रहा है। तो फिलहाल के लिए ये सोचा है कि जो पुराना वॉशिंग मशीन है उसको अभी अंगद वाले ऑफिस रूम में रखवा देंगे और इसको सेट करवा देंगे, फिर क्रोमा वाले का दिमाग खाएंगे। तो मशीन जो है वो इंस्टॉल तो हो गई है, और फटाफट जो डेमो था वो भी उन्होंने दे दिया है। वैसे हमें पता ही था कि क्या सब अपने फंक्शनैलिटी है,
और सब कुछ चल भी रहा है। एक क्विक वॉश हमने कर लिया, उन्होंने कहा कि ऐसे ही क्विक वॉश कर लीजिए तो अंदर का जो ड्रम है वो एक बार ही क्लीन हो जाएगा यूज करने के लिए। बाकी तो इसमें सारे फीचर्स जो है वो जैसे होते हैं नॉर्मल वैसे ही सभी है। LG वाले में क्या होता है ना कि आपको इधर में भी मिलता है अलग अलग मेन्यू, इधर भी मिलता है, तो आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ करोगे आप तो अलग अलग ऑप्शन आएगा। इसमें आपको सिर्फ एक तरफ ऐसे घुमाते जाना है और एक एक करके सारे यहाँ पे मेन्यू आते जाएंगे जो भी आपको सिलेक्ट करना हो। पर बड़ा ही अच्छा है, जो हमें यूज करना है वो तो आगे ही आ जाता है वो सारे ऑप्शन, जो कि इसमें दिया हुआ है कि आप अलग से टॉवल्स वॉश कर सकते हो। तो ऐसा तो हम लोग नहीं करने वाले कि सिर्फ और सिर्फ टॉवल्स वॉश करें या सिर्फ बेडिंग, चलिए बड़ी तो ठीक है, सिर्फ शर्ट वॉश करें वैसा तो है नहीं। वुल यूज होता है, ठीक है, आउटडोर हो गया, फिर एक्टिव वेयर है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। और अगर कलर्स वाले आप डाल रहे हो तो कलर्स वाला सिलेक्ट करना है आपको। एक साइलेंट वॉश भी है जिसमें आवाज नहीं आएगी। क्लाउडी डे फीचर बड़ा अच्छा है बैंगलोर के लिए। इसमें क्या होगा कि काफी अच्छे से ये ड्राई करेगा, 10% ज्यादा ड्राई करता है सिम्स। फिर रिंस प्लस स्पिन, ड्रेन स्पिन, वॉश एंड ड्राई, ऐसे सारे सारे ऑप्शन हैं। और एक चीज है, अगर आपको किसी भी साइकिल में ड्राई करना हो ना, जैसे कि मान लीजिए हमने यूज किया यहाँ पे ई कॉटन, अब इसको प्रेस करना है तो यहाँ पे आ रहा है टैप अगेन ओ टू ड्राई, तो एक बार और दबाएंगे ना तो मतलब ये ड्राई भी करेगा और ये वॉश भी करेगा। तो ड्राई करने का मतलब है यहाँ पे आप देखोगे ना तो हैंगर बना देता है ये, तो उस तरीके का वो दोनों काम करेगा, धोएगा फिर अच्छे से सुखा भी देगा। अब अंगद बताएगा सबसे बड़ा फीचर क्या था जिसकी वजह से हमने सैमसंग सिलेक्ट किया। मेन रीजन हमारा था कि ये वाला डोर, कोई भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें आप डोर पूरा एज इट इज ओपन नहीं कर सकते, बीच में मतलब कोई आप कपड़ा बहुत सारा लेके आ रहे हो, कुछ कपड़े गिर जाते हैं, कुछ कपड़े आप मिस कर जाते हो डालने के लिए, तो आपको ऐड करना है तो फ्रंट लोड में बहुत डिफिकल्ट होता है। पर इसमें क्या है, इसमें एक छोटा सा डोर दिया गया है जिसमें आप तुरंत ही बीच में से मिड साइकिल में आप ऐड कर सकते हो, विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कोई भी कपड़ा ऐड करना है तो इसमें कर सकते हो। और डिफरेंस ये था कि LG वाले में और सैमसंग वाले में, ये मेनली डिफरेंस ये था कि LG में ये वाला छोटा सा डोर नहीं दिया गया था, तो क्या होता था कि हमको एक बटन दबाना है कि आई वॉन्ट टू एड मोर क्लोथ, फिर वो बोलेगा कि 5 मिनट्स आपको वेट करना है रफली, ताकि वो पूरा जो अंदर टैंक के अंदर जितना पानी है वो ड्रेन आउट करेगा, फिर आप डोर ओपन करो और फिर कपड़े ऐड करो। तो भैया 5 मिनट वेट कोई नहीं कर सकता है उसके लिए, सिर्फ 2-3 कपड़े ऐड करने के लिए। इसमें क्या है, आपको एब्सोल्युटली आपको कोई वेट ही नहीं करना है, तो वो बेस्ट पार्ट लगा कि फर्स्ट 30 सेकेंड्स में 30 मिनट्स में आपको जब कभी भी कपड़ा ऐड करना है आप इमीडिएटली दरवाजा खोलिए और कपड़ा ऐड कर दीजिए। और उसको तो खोलने का प्रोसेस है, क्या बताया उसने, 2-3 बार क्लिक करना है, क्या बोला है उसने। हाँ, फर्स्ट टाइम जब भी साइकिल चल रही है तो फर्स्ट टाइम जब आप खोलोगे तो ये पॉज हो जाएगा, खुलेगा, ये पूरा नहीं खुलेगा और पॉज हो जाएगा, और जो साइकिल रन रही है वो पॉज हो जाएगी, फिर वापस बंद करके फिर से खोलना है तो ये पूरा खुलेगा। और आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़े है वो डाल दीजिए जो आप भूल गए थे, और फिर से आपका साइकिल जो है वो रिज्यूम हो जाए। चलिए, यही अच्छा लग रहा है, अच्छे से फिट भी आ गया। पुराना वाला जो है वो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब ये लोग पिकअप जब करेंगे, फिलहाल यहीं पे छोड़ दिया है। हमने एक चीज लगवाया है एक्स्ट्रा अभी 1000 रुपीज दे करके, और वो है ये फिल्टर। उसने बोला ये जो हार्ड वाटर है ना आपके एरिया में तो मशीन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप एक ये फिल्टर लगवा लो, बोला है उसने 4-5 साल ये आराम से चलेगा, तो ये 1000 रुपीज का हमने एक्स्ट्रा लगवा लिया है। और एक उन्होंने दिया है ये मशीन वॉश करने के लिए है, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है अप्लायंस डी स्केलर, तो जब महीने में एक बार उसने कहा है कि टब क्लीन कर लेना आप अच्छा रहेगा, तो उसके लिए आपको ये डाल के करना है, तो ये एक बार में आपको एक पैकेट यूज करना है। तो अभी देखिए 6 महीने का हमारे पास में है। चलिए पहला वॉश करते हैं कुछ कपड़े, मेनली देखना है कि ड्राई कितना कर पा रहा है, उसी का चूल है हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाए कपड़े नीचे से जो लग रहा है कि हाँ होने से काम चलेगा। तो अभी हम लोग मिक्स्ड वाला साइकिल चूज करेंगे क्योंकि कॉटन भी है सिंथेटिक भी है, और यहाँ पे डालना है आपको लिक्विड डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट डालना है, यहाँ पे सॉफ्टनर डालना है, और अगर बहुत गंदे कपड़े हैं तो यहाँ भी आप डाल सकते हो सर्फ या लिक्विड। तो 2:1 क्वांटिटी बोला है, हमने पहले से ही मंगवा लिया अपना ये, हाँ फ्रंट लोड के लिए एक्चुअली, तो अभी तक जो यूज कर रहे थे वो टॉप लोड वाला था, तो ये हमने मंगवा के 2 लीटर का रखा है। उसमें डाल दो ड्रायर, मेनली देखना है कि कपड़े सूख जाने चाहिए, उसी के लिए हमने लिया है। मतलब हमने सुना है कि काफी अच्छा तो सूख जाता है, पर एक्सपीरियंस नहीं है ना तो पता नहीं है। अपने कपड़े तो ठीक है, देखिए हम लोग कोई नहीं है सुखा भी लेंगे, मेनली हम लोग को लेना है कि जो छोटे छोटे बेबी के बहुत सारे कपड़े गंदे होंगे ना
तो वो छोटे छोटे कौन सुखाए लाए पता नहीं, उस टाइम पे अंगद का वर्क फ्रॉम होम रहेगा या वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा, तो मुझे ही करना है, तो कैसे करना है, इसके लिए हमने ये ले लिया है। मीनवाइल मैं फटाफट इस रूम का जो बेडशीट है इसको चेंज कर लेती हूँ। शाम को बेडशीट चेंज किया है तो जो ये पिलो कवर होता है ना इसी से मैं थोड़ा बहुत वाइप कर देती हूँ। ये हमेशा की आदत है, एक्चुअली आदत मम्मी को मैंने देखा था कि सुबह जो कपड़े धोने में डालने वाली होती है उसमें से पिलो कवर या ऐसा कोई कपड़ा लेकर उल्टा करके डस्टिंग करती, तो ये मेरी भी आदत है। अगर कपड़ा धोने में जा रहा है चेंज हो रहा है तो फिर पिलो केस वगैरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ। खैर मेरा दिमाग ना, सच में कहते ना प्रेगनेंसी ब्रेन कि आप भूलने लगते हो चीजें, वो सच में होता है, मुझे तो अब यकीन हो गया। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीजों को ना जहां से उठाती हूँ वहीं पे जगह पे रखती हूँ और हर चीज के लिए एक जगह असाइंड है ऑलरेडी। अभी मैं देख रही हूँ मेरे ड्रेसर के अंदर में कि जहां पे कॉम्पैक्ट रखने की जगह है वहां पे कॉम्पैक्ट नहीं है, वहां पे बिंदी का पैकेट है, बिंदी का पैकेट जहां रख रही हूँ वहां पे कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, कोम की जगह पे पाउडर रखा है। मतलब मैंने कुछ कुछ तो किया है, सब जगह जो मैंने है वो इधर से उधर कर दिया। और अंगद को बड़ा ही अच्छा लगेगा ये जान के कि मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं उसको लेक्चर देती हूँ, अंगद जो सामान जहां से लिया है उसको वहीं पे रखना, ये उसको मैं बोल बोल के मैंने उसको आदत लगवा दी है। अभी सिर्फ एक आदत है जो उसकी अभी तक लगी नहीं है, वो ये है कि वो जो भी वार्डरोब खोलेगा वो बंद करना भूल जाता है, वो तो भूख भूख के मैं तंग हुई चेंज नहीं होता। पर अभी जो मेरा ये फेस चल रहा है और मैं चीजें इधर से उधर कर रही हूँ ना, उसको बड़ा मजा आएगा कि वाह अब तुम भी भूल रही हो ना, पर सच में ये हो रहा है मेरे साथ और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने ये क्यों किया होगा। अभी मैं देख रही हूँ ड्रेसर अरेंज कर रही थी ऐसी कि ये सब क्या किया है मैंने, कभी कभी तो हड़बड़ी में वो भी ये तुम्हारा सीट है। और क्या है उसमें वो वाला वॉशिंग मशीन कवर है पुराना। जाने दो इसको, टीवी कवर है ना। हाँ टीवी कवर है, नहीं चाहिए। और पीपी किट है देखिए उस टाइम पे हमने सेफ्टी पर्पज के लिए लिया था, डरे हुए थे ना कोविड में सब लोग, उसको डोनेट कर सकते हैं हम हॉस्पिटल में। और वो एक और क्या है नीचे, आई डोंट नो ये क्या है, क्रिकेट बैट। नहीं अब मेरा वो यूकेलेले का कवर है। ओ ये तो रख ना, कवर में रख दो ना यूकेलेले को। ठीक है अभी इसको साइड करो। और क्या है ये वाइप्स है, वो मॉप का ये ऐसे ही मैं डाइनिंग टेबल पोछने के लिए काम आ जाएगा। ये फिर से मुझे मुफ्त का मिल गया, पिछला वाला मैंने कितना यूज किया था डाइनिंग टेबल पोछने के लिए। ये सब तो वेस्ट क्लोथ्स है। हाँ ये सब वेस्ट है, ये सब वेस्ट है, कोई नहीं इसको साइड करो। ठीक है तो एक काम करो, नीचे ना ये कुशन डाल दो, इससे क्या होता है शेप आता है उसका। नहीं तो वो बहुत, हाँ वही डाल दो। देखिए इस वॉशरूम में कोई नहाता नहीं है तो इसीलिए हम लोग ये वाला फेंकना नहीं चाह रहे, क्योंकि इसमें ना हम कपड़े स्टोर करते हैं धोने वाला। अब धोने वाले कपड़े जो है दो तीन दिन तो जमा करेंगे ना, दो आदमी के कपड़े क्या ही तुरंत धोएंगे। तो ये सारे जो है ये वॉश करने, अंगद ये एक के बाद एक ये सब वॉश करते डाल दो अभी इसमें। No worries. एक पेपर भी रख दो, ये भी काम में कभी आता है। ठीक है हमने वो मिक्स्ड वाला लगाया था, सुपर स्पीड विद ड्राई। तो चलिए अभी हमारा हो गया है, तो मैंने कहा आज ये व्लॉग की एंड, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बारे में बात हुई है तो ये देख के करें जो बड़ा सवाल था हमारे अंदर कि ड्राई हुआ है कि नहीं। गर्म तो है काफी अभी भी। ओह इट्स 100% ड्राई। क्या बात कर रहे हो, 100% दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड ये तो लग रहा है मैंने अभी आयरन करवाया हो। इसमें देखो आयरन का भी अब जरूरत नहीं पड़ा बिकॉज इट इज वाओ। दूसरा देखो कोई और था मोटा इससे।
क्या यार, मेरा तो दिल ही खुश हो गया जो पर्पस से लिया। हाँ ये मोटा ये था, ये तो पजामा था काफी। अरे हाँ ऐसा एरिया भी पूरा ड्राई हो गया, ऐसा ड्राई हुआ है और ऐसा गर्म है ना, जैसे डिशवॉशर में बर्तन गर्म होते हैं ना वैसा गर्म है। देखो एक क्रीज भी नहीं है इसमें। मतलब इसको बिल्कुल भी धूप में रखने की, हवा में रखने की जरूरत नहीं है। ये आयरन भी करने का जरूरत नहीं, आपको घर के कपड़ों को आयरन करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। चलो हाथ मिलाओ, सक्सेस रहा हमारा तो, मिशन सक्सेसफुल। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे एक्चुअली, क्योंकि इतना खर्चा किया फिर लगा अगर अगर ना सूखे तो पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है। वाओ, जबकि हमने इतना क्विक वाला साइकिल किया था। हाँ। फिर भी काम हो गया, मैं पैसा वसूल हो गया एकदम, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो आज का वीडियो में मैंने कहा जब दिखाया है सब कुछ, दिखाया अनबॉक्सिंग से लेकर फिटिंग से लेकर, तो क्यों ना ये भी बता दो कि एट द एंड हुआ क्या। तो जी हाँ, जो मेरे मन में था वो थोड़ा सा कि पता नहीं ड्राई होगा नहीं होगा, ऐसे ही बोलते होंगे थोड़ा बहुत तो गीला रहता होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। इतने कम देर वाले साइकिल में भी अगर इतना हुआ, वैसे मुझे कमेंट आया था पिछले ब्लॉग में कि उनके पास में ये है और वो कह रही थी कि एकदम वार्डरोब ड्राई होता है सोना, सीधा आप वार्डरोब में डाल सकते हो। अभी अपने आंखों से भी देख लिया तो यस, बड़ी खुशी हो रही है एकदम, वो झंझट ही खत्म हो गया कपड़े सुखाने वाला। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ, इसी एक चीज के लिए रुकी हुई थी, जा रही हूँ थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगी, आराम करूंगी और इसके साथ में मिलूंगी मैं आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनकेस आपको स्पेक्स वगैरह चेक करना होगा तो मैं अमेजोन का लिंक ढूंढ के दे दूंगी, अमेजोन पर मिल रहा है मतलब अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर लिंक वहां पे है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, देखना होगा तो इनके साथ को लेना होगा। तो मुझे तो मजा आ गया, खुशी बहुत हो रही है। एनीवेज बाय बाय।